प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ध्रुवीय प्रदेश या ठंडे मरुस्थली प्रदेश के में निवास करने वाली जनजातियों का अध्ययन करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में एस्किमो मुख्य जनजाति है। यह जनजाति सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली है, जहाँ वर्ष भर तापमान हिमांक से नीचे रहता है और कई बार तो तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो सबसे जो ये कहें कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली ये जनजाति अपना जीवन यापन सर्दियों में बहुत दूभर कर लेती हैं। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से कनाडा के उत्तरी भाग ग्रीनलैंड में निवास करती है। इस विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले और जनजातियों के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के निवासी को एस्किमो कहते हैं। यूरोप में उत्तरी स्कैंडिनेविया के लोग लैप्स और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोगों को सैमोयर्ड्स, याकूत, चकची, तुंग आदि कहते हैं। ये लोग सभी प्रधानतः आखेटक हैं। एस्किमो लोग मुख्य रूप से सील मछली तथा कैरिबो नामक बारहसिंगे का शिकार करते हैं। उत्तरी साइबेरिया के सैमोयर्ड्स, याकूत और चकची लोग आखेटक और पशुचारक भी होते हैं। ये लोग मुख्यतः मछलियों तथा रेनडियर का शिकार करते हैं और रेनडियर को ये झुंडों में पालते भी हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र। एस्किमो लोग कनाडा के उत्तरी तट, बेफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन तथा ग्रीनलैंड में 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करते हैं। यह समस्त प्रदेश जाड़े की ऋतु लंबी होती है इसमें तथा गर्मी का मौसम यहाँ छोटा होता है। यहाँ वर्ष के 9 महीने कठोर शीत ऋतु होती है और केवल 3 महीने छोटे समय के लिए वसंत या ग्रीष्म ऋतु आती है। यहाँ का वार्षिक तापमान वर्ष भर हिमांक से नीचे रहता है तथा जनवरी में आर्कटिक द्वीप समूह के 0 से -46 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जाड़े के महीने लंबे होने के साथ साथ जाड़े के दिन बहुत छोटे होते हैं। यहाँ सर्दियों में भयंकर हिम झंझावत चलते हैं, जिसको साइबेरिया में बुरान तथा कनाडा वाले प्रदेश में बिलजाड के नाम से जानते हैं। वर्ष में केवल 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ तापमान हिमांक से ऊपर होता है। इस प्रकार की कठोर जलवायु के कारण यहाँ वृक्षों की उत्पत्ति ना के बराबर होती है। केवल गर्मी के मौसम में सहवाल, काई, लीचेंस और डेडलियंस आदि रंग बिरंगे फूल, छोटी छोटी झाड़ियाँ उग पाती हैं। इस प्रदेश में शीतकाल, ग्रीष्म काल में कुछ समय के लिए लोग मछलियों का शिकार भी करते हैं। शारीरिक लक्षण। एस्किमो लोगों का चेहरा सपाट तथा चौड़ा होता है। इनका रंग भूरा होता है, बाल भद्दे होते हैं। कद की दृष्टि से ये लोग लगभग 150 से 160 सेंटीमीटर के होते हैं। इनके त्वचा का रंग हल्का पीला, इनकी आँखों का रंग कथई होता है तथा पलक तिरछे होते हैं। सिर लंबा तथा गालों की हड्डियाँ ऊंची होती है। यहाँ के प्राय सभी निवासी एक सी प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनका उद्गम स्थान एशिया है। ये जनजाति मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। कनाडा के एस्किमो श्वेत रक्त मिश्रण होता है। शीतकाल में सील मछली का आखेट।
बहुत बहते हुए हिम का इन लोगों के जाड़े के निवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सर्दी के प्रारंभ में एस्किमो लोग समुद्र किनारे बहते हुए हिम पर झुंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर ये मार्च या अप्रैल तक रहते हैं। जाड़ों के दिनों में ये केवल सील मछली का ही शिकार करते हैं। सील मछली को सांस लेने के लिए बर्फ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। ये लोग इस छिद्र के पास छुपकर बैठ जाते हैं। एस्किमो लोगों के कुत्ते इन छिद्रों का पता सूंघ कर लगा लेते हैं। इन छिद्रों में एस्किमो एक हड्डी की छड़ी लगा देते हैं तथा छिद्र को पहले की तरह ढक देते हैं। जब मछली सांस लेने के लिए इस छिद्र के पास आती है तब ये छड़ी हिल जाती है, तो ये तुरंत समझ जाते हैं और एस्किमो शिकारियों को ज्ञात हो जाता है कि छिद्र से सील मछली सांस ले रही है। तब ये अपना हार्पून भाला उठाकर सील के मुंह में जोर से मारते हैं, जिससे भाले का अग्रभाग सील मछली के मांस में घुस जाता है। बाद में सफलतापूर्वक बर्फ हटाकर ये सील मछली को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार शिकार करने के लिए शिकारी को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मछली कई देर तक उस छिद्र की तरफ नहीं आ पाती है। साधारणतः सील मछली अपने सांस लेने के लिए कई छिद्र बनाती है तथा बारी बारी से इन छिद्रों से वो सांस लेती है। इस प्रकार जो प्रतीक्षा करके शिकार करते हैं, इस पद्धति का नाम माउपो कहते हैं। ग्रीनलैंड के कुछ भागों में इतुआरपोक ढंग से भी सील मछली का शिकार किया जाता है। इस पद्धति में ये दो छिद्रों का प्रयोग करते हैं। एक मनुष्य एक छिद्र में चारा डालकर सील को लुभाकर बुलाता है तथा उसका दूसरा साथी हार्पून लिए पहले से तैयार खड़ा रहता है। अवसर पाने पर वह दूसरे छिद्र में भाला मारकर सील का शिकार कर लेता है। जाड़े के दिनों में दिन की लंबाई कम होने के कारण ये लोग डेरे के समीप ही अपना निवास करते हैं, क्योंकि इस समय शिकारी स्लेज गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये दूर नहीं जाते हैं। जो शिकार करते हैं वो अपने डेरे के पास ही करते हैं। तो जब ये दो व्यक्ति मिलकर शिकार करते हैं, इस प्रकार की पद्धति को इतुआरपोक नाम से जाना जाता है। बसंतकालीन आखेट। मार्च के बाद दिन की लंबाई बढ़ने लगती है तथा बर्फ पिघलने से खुले जल की नालियां बन जाती हैं। इस समय एस्किमो परिवार के लोग खुले में शिकार के लिए निकल जाते हैं। खुले जल के अतिरिक्त ये सील मछली बहते हुए हिम से भी किनारे के पास आकर ये सांस लेती है, धूप खाने आती है, तब इनका ये शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार बसंत के प्रारंभ में जो यह शिकार करते हैं, इसको उतोक ढंग से शिकार की सुविधा कहते हैं। एस्किमो अपना दल तथा गाड़ी को छोड़कर अपने कुत्तों के साथ सील मछली के समूह की तलाश के लिए दूर तक चले जाते हैं। समूह को देखकर वे बर्फ पर लेटकर उनके समूह तक खिसकता खिसकता इतने समीप पहुंच जाते हैं कि भाले द्वारा यकायक हमला करके सील को मार देते हैं। जाड़ों की अपेक्षा इस समय अधिक शिकार किए जाते हैं। इसमें कई बार चतुर शिकारी एक ही दिन में कई कई सील मछलियों का शिकार कर लेता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, कल अपनी इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद। दस मिनट को जाओ तो चलो चलो। अच्छा कोई बता दे कि कल इस पाठ के बारे में। हम प्रिय विद्यार्थियों कल इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ रहे थे, एस्किमो जनजाति। हाँ, एस्किमो के जो शिकार की पद्धतियाँ हैं इनके बारे में आप कल लिख करके लाएंगे। धन्यवाद। चलिए कम कम रहा।
ध्यान देने।